बात करते हैं आज हम लोग सेल्फी मूवी का। जो सेल्फी मूवी का है रिव्यू निकल के आ चुका है, इसको कितना स्टार मिला हुआ है इसी के ऊपर बात करेंगे। और अक्षय कुमार सर सेल्फी का फोटो लेते हुए एक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन ए टू जेड मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फी लेने का, जो अक्षय कुमार सर ने एकदम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड होता है ना उसमें दर्ज करा लिए हैं। और इतना ज़्यादा सेल्फी लेना एक अलग ही मतलब उनका रिकॉर्ड है यार, सच में खिलाड़ी कुमार कभी भी खिलाड़ी ही रहेंगे। तो वो एक फ़ोटो मतलब ले रहे थे, एक प्रोग्राम है वहाँ पे, यानी कि सेल्फी कहीं प्रमोशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मतलब 3 मिनट के अंदर में ही 184 मिनट मतलब 84 सेल्फी लिए, यानी 3 मिनट के अंदर में इतना ज़्यादा सेल्फी लेना, 184 सेल्फी लेना, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुकी है। और इस पे बहुत सारा आप लोग ट्विटर पे देख सकते हैं, उनको तारीफ ही हो रही है, उनको मज़े मतलब आ रहा है उनका फैंस का और भी नॉर्मल ऑडियंस का। वहीं पे बात करें मूवी का रिव्यू निकल के कैसा आया हुआ है सेल्फी का, क्या सेल्फी मूवी आगे में बढ़ेगी, सेल्फी मूवी मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। तो भाई साहब ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू देखने के बाद में ये लग रहा है कि हाँ मूवी में कुछ कहानी कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जो पब्लिक को मजा आएगी, क्योंकि ऑलवेज बॉलीवुड का कभी भी जो रिव्यू निकल के आता है, या ट्रेलर हो या टीजर हो या मूवी हो, वो 99% 100% तो नहीं लेकिन 99% परफेक्ट ही होती है, 99% एकदम सही ही होती है। तो उसके ही आधार से अगर देखें तो 3.5 स्टार मिला हुआ है, तो मूवी अच्छी है और मूवी ऑडियंस को पसंद में भी आएगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हिंदी डब में नहीं है और हिंदी में कोई भी ऑडियंस उतना देखे नहीं है, तो ये मूवी पसंद आएगी। और ये बनाया भी गया है एक अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑलवेज बॉलीवुड वाले जो हैं, जो ट्विटर पे हमेशा ट्वीट करते हैं बताते हैं, उनके अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस एक दिन और बाकी रह गया है, यानी कि थर्सडे फ्राइडे एंड थर्सडे को शाम से रिव्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्राइडे को तो और नॉर्मल ऑडियंस रिव्यू देंगे ही देंगे, ऑडियंस का जो रिव्यू रहेगा वही सबसे बड़ी बात रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, सेल्फी मूवी किस लेवल पर जाती है, 3.5 स्टार मिलता है या 4 स्टार मिलता है या 2 स्टार मिलता है, या कितना तो ऐसा ऑडियंस रहते हैं जो 0 स्टार देते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तक का जिस हिसाब से रिव्यू आया हुआ है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है, और ये मूवी शायद चलेगी और ये मूवी ऑडियंस को पसंद आएगी। अक्षय कुमार सर का जो सेल्फी के मतलब सूर्यवंशी के बाद में जो भी मूवी आया वो सब फ्लॉप गया, देखते हैं सेल्फी से वो सब रिकॉर्ड टूटेगी और वो सब इनका एक नया करियर स्टार्ट होगा। ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लोगों के यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन ए टू जेड मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ में बने रहें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सेल्फी उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मूवी हो और ऑडियंस उस मूवी को पसंद करे।